पिछले वीडियो में हम बताए थे कि समांतर माध्य निकलता कैसा है, ठीक है। आ इस वीडियो में थोड़ा सा हट के है, आप नहीं समझ रहे। देखिए इसमें क्या दिया है, पहले दिया था कि चर संख्या दिया था, अंक दिया था, ऐसे समझ लीजिए कि पहले अंक दिया था। अब इसमें देखिए एक्स डाल दिया है, अब हमको कंफ्यूज करने के लिए क्या डाल दिया है, एक्स डाल दिया है। अब आप ही बताइए कि जब यक्ष दे देगा तो हम कैसे निकालेंगे, हो गए ना कंफ्यूज वाली बात। अच्छा कंफ्यूज ना हो तो सीधा सीधा एक पे आओ, उहे रूला फिर अपनाएंगे। कौन सा रूला, समांतर माध्य बराबर। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पिछले वीडियो में बताए थे ना, अब इस वीडियो में आ जाइए। समांतर माध्य बराबर सुनिए, समांतर माध्य बराबर होता है कि पदों का योग, योग का मतलब समझ रहे हैं ना, योग का मतलब जोड़ होता है, यानी हम कह सकते हैं पदों का योग बट्टा पदों की संख्या, यानी जो हमको पद मिला है, पद का मतलब अंक जो मिला है उसकी संख्या, यानी पदों की कौन सी होती है, संख्या होती है। देखिए ये समांतर माध्य का फार्मूला होता है, इसी बेस पे इसी फार्मूला पे हम ऐसा वाला लगा लेंगे जेगा पहले वाला लगाए थे, ठीक है, बतिया रहे समझ में ना। यही कर देखिए, कुछ है नहीं, ये खाली कंफ्यूज करने के लिए अक्ष डाल दिया, आप नहीं समझ रहे, खाली कंफ्यूज करने के लिए अक्ष डाला है, और कोई बात नहीं है। हमारा बतिया सुनिएगा, समझ में आ रहा था। देखिए क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं, हम कह रहा है कि तीन चार छ तथा यक्ष का समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य बराबर का दे दिया है, पांच दे दिया है, यानी संख्या और संख्या के समांतर माध्य पांच, और उसके बाद देखिए हर जो कंफ्यूज करने के लिए यक्ष वाला दिया है ना, हाई वाला कंफ्यूज करने के लिए, उसी का मान पूछ रहा है। तो आप सिंपल सी बात है, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या, ठीक है ना, आ बात समझ में ना। आ देखिए समांतर माध्य हमारा सीधे सीधे पढ़ दिया, तो हम लिख देंगे पांच, समांतर माध्य देखिए पहले ही लिख दिया है, गौर करिएगा, समांतर माध्य पांच है, तो हम समांतर माध्य क्या लिख दिए, पांच लिख दिए। अच्छा पदों का योग, पदों का योग कौन कौन सा पद है भैया, एगो तीन है आ प्लस, एगो चार है आ एगो छ है, एक और संख्या बाबा भैया कॉमन जो कंफ्यूज करता यक्षवा, ठीक। अब बट्टा अब पदों का संख्या कितना है, एक दो तीन चार, पद है चार वो है, तो पूरे का बट्टा चार। अब देखिए सीधा सीधा की हम बात करते हैं, अब इस संख्या को जोड़ लीजिए, है नहीं जुटी, है नहीं जुटेगा, क्यों नहीं जुटेगा, क्योंकि हे से ही अलग है, ये अलग इसका मानी होता है, इसकी अलग ये संख्या होता है, आप नहीं समझ, यही का भी तो दिया है कंफ्यूज करने के लिए, तो आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए, अब बाकी जो बचा है उसको जोड़ लीजिए, यानी अभी ये संख्या हो जाएगा, यानी छ और चार कितना हो जाएगा दस, छ और चार दस, आइए वो तीन है तो छ चार दस और तीन तेरह, आइए के हम छोड़ देंगे, यानी हम लिख सकते हैं कि पांच बराबर तेरह प्लस यक्ष बटा चार, सीधा सीधी बात है। आइए चार भागकर है, आप लोग जानते हैं पश्चांतर का नियम कि किसी भी संख्या को अगर इधर का उधर होता है तो जरूर कुछ ना कुछ बदलाव होता है, आज नीचवा क्या कर रहा है भाग कर रहा है, अगर भेजा भाग करी तो बराबर उधर चल दो, अगर बराबर उधर जाएगा तो हेजा भाग कर रहा है तो हेजा आएगा क्या करेगा गुणा करेगा, सिंपल सी बात है। तो पांच में ले आगे जब गुणा करा दो तो पांच लिखिए आराम से, पांच गुणे चार आ बराबर तेरह प्लस यक्ष, तो पांच को बीस, बीस प्लस तेरह आ प्लस यक्ष, समझ नहीं रहा प्लस आई तो बुरा कहीं हम आ बराबर तेरह प्लस यक्ष आ तेरह कहेंगे फिर तो यानी प्लस वन कहेंगे जब लेंगे तो क्या हो जाए माइनस हो जाए, यानी हम कह सकते हैं कि यक्ष बराबर बीस माइनस तेरह, यानी यक्ष बराबर बीस में से तेरह जाए तो कितना बची सात बची, कितना बची सात, यानी समांतर माध्य कितना निकल के आ गए सात निकल के आ गए, बताइए समझ में, अगर सात माध्य कितना निकल के आ गए सात आ गए, ठीक बात,
कत्ते का आंसर कहाँ निकली? सात निकली। समझ नहीं लगा? सात कहाँ से आई है? है क्या बात? पश्चांतर कहिले बनी, पश्चांतर कहिले बनी, तो ये तेरे हिसाब से घटाओ गिलवा, यानी प्लस बात हिंदी आई बात माइनस हो गिलवा, ठीक है? तो इसको हम कह सकते हैं सात। समझ आ गया ना? नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं भैया, सुनिएगा ना, नेक्स्ट वीडियो में ना हम फिर मिलते हैं एक और नया सवाल।